मार्केट में अभी माहौल बहुत गर्म है एशिया कप के बारे में, एशिया कप को लेके नजम सेठी ने क्या कहते हैं कि टहलका मचाया हुआ है। मतलब कि जिस दिन से पहला इंटरव्यू दिया है उसके बाद तो इंटरव्यू देते जा रहे हैं कि हम ये करेंगे वो करेंगे, कभी कुछ कभी कुछ। अभी सुनने में आ रहा है कि वो डिमांड किया एक और कि हमारी और इंडिया की टेस्ट सीरीज़ करवाई जाए। बाकी सुनने में आ रहा है कि एशिया कप का जो हाईबर्ड जो सेठी साहब ने पेश किया था कि 4 मैच पाकिस्तान में करवाए जाएँ और बाकी 7 मैच हम न्यूट्रल वेन्यू पे खेलेंगे, उसके बारे में सुनने में आ रहा है कि जो ज़राए बता रहे हैं पाकिस्तानी मीडिया में चल रहा है कि श्रीलंका ने ग्रीन सिग्नल दिया और बांग्लादेश ने ग्रीन सिग्नल दिया कि हमें कोई इशू नहीं है हम खेल लेंगे। सो बाकी देखें क्या बनता है, अभी क्या करते हैं। मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि एसीसी को क्या इशू है पाकिस्तान में अगर 4 मैच हो जाएंगे। इससे चले पाकिस्तान आवाम को भी मतलब कि खुशी मिल जाएगी, फैंस को, कि अपने जो स्टार हैं उनको पाकिस्तान में खेलते देख लेंगे, बाकी जो बांग्लादेश श्रीलंका की टीम उनको भी देख लेंगे। बाकी पाकिस्तानी फैंस तो चाहते हैं कि इंडिया भी पाकिस्तान आए, वो पाकिस्तान के विराट कोहली को खेलते देखें अपने होम ग्राउंड पर, फिर उसके बाद रोहित शर्मा को खेलते देखें, तो पाकिस्तान फैंस तो चाहते हैं। मेरे ख्याल से ये इंडियन जो लोग हैं वो भी चाहते हैं कि पाकिस्तान और इंडिया आपस में खेले, मतलब कि ये जो सीरीज़ होती है वो खेले आपस में। बाकी मसला तो बस मेरे ख्याल से उनको उसको है गवर्नमेंट को, क्योंकि हम इधर रहते हैं पाकिस्तानी इंडियन से प्यार से मिलते हैं, आपस में बातें करते हैं, खाते पीते हैं, बांग्लादेशी हो गए श्रीलंका हो गए सब आपस में इधर प्यार से रहते हैं। हम दुबई में जितने भी ये ओवरसीज़ है सब आपस में प्यार रहते हैं, प्यार से रहते हैं। बाकी पता नहीं हमारी जो इंडिया की जो है गवर्नमेंट उसको क्या मसला है कि क्यों नहीं चाहती कि पाकिस्तान और इंडिया आपस में खेलें। अभी मतलब कि आईसीसी इवेंट में भी तो खेलते हैं ना आपस में, तो अगर सीरीज़ खेलेंगे तो उससे क्या मसला हो जाएगा। उससे चले जो मतलब कि स्पोर्ट्स हैं जैसे कि इससे लिंक हैं जो चलें वो अच्छा खासा पैसा बनाएंगे। बाकी हम तो चाहते हैं कि ये आपस में मैच खेलें, क्योंकि इन दोनों जब ये दोनों खेलते हैं ग्राउंड फुल होते हैं, बहुत ज़्यादा हाइप होती है मीडिया में, हर टीवी में चल रहा होता है कि इंडिया पाकिस्तान का मैच है, तो जैसे ये हाइप होती है इनको तो फ़ायदा उठाना चाहिए। बाकी देखें क्या बनता है, मतलब कि अभी एसीसी वाले क्या बोलते हैं कि पाकिस्तान में होने देते हैं मैच जो 4 बोलने सेठी साहब ने कि नहीं होने देते। बाकी सेठी साहब को चाहिए कि अभी जिस जो इन इसने बयान दिया सेठी साहब ने अभी उस पर कायम रहे और न्यू न्यू प्लान ही लेके आए कि ऐसा भी करें तो वैसा भी करें, पहले जो बोला पहले वो तो मना लें, बाद में फिर न्यू प्लान बताएं कि भाई ऐसा भी करना है ये भी करना है, हमारे साथ सीरीज़ भी खेलें आप, तो वो तो बात क्या मसला है ना। पहले जो मतलब कि ये है एशिया कप है पहले इस पर फोकस करें, पहले इसके बारे में सोचें, फिर बाद में न्यू छोचे छोड़ें जो भी छोड़ें कि ये करना है वो करना है। पता नहीं क्या कभी कोई छोड़ देते हैं कभी कोई छोड़ देते हैं, अभी देखें क्या बनता है। हम तो उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान में वैसे मैच हो, पाकिस्तान के हालात भी बेहतर हैं वैसे इतने, वो तो पॉलिटिक्स हैं वो तो हर मुल्क में होते हैं ऐसे हालात। बाकी सिक्योरिटी का उसका कोई इशू नहीं है, अभी सारी टीमें खेल के गई हैं हमारे साथ, तो इंडिया को तो हम चाहते हैं कि इंडिया भी जाए पाकिस्तान खेले। बाकी देखते हैं अभी क्या बनता है, अभी कह रहे हैं कि 1 वीक में भी 1 वीक में रिज़ल्ट आ जाएगा, मतलब मीटिंग होनी है फिर कोई आ जाएगा बयान आ जाएगा कि मतलब कि क्या कहते हैं एसीसी के जो चेयरमैन हैं, मतलब कि क्या वो इसको मतलब जो हाईबर्ड बताया सेठी साहब ने उसको मतलब कि एक्सेप्ट करते हैं कि नहीं करते। बाकी चलें चेक करते हैं। बाकी आप लोग अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, शुक्रिया, खुदा हाफिज़।